दोस्तों ऐसा लग रहा है कि कुछ यूट्यूबर पगला गए हैं और उनके साथ साथ जो देखने वाले लोग हैं वो भी पागल हो चुके हैं। मुस्कान को लेकर कई वीडियो चलाई जा रही है, खबरें चलाई जा रही है कि देखो मुस्कान को इसने इतना दिया, 5 करोड़ दे दिया, 3 करोड़ दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। अब वो पागलपना तो कर रहे हैं वो यूट्यूबर, उनके साथ जो देख रहे हैं उनकी वीडियो नीचे कमेंट कर रहे हैं सुबहानअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी देखने वाले को यकीन हो जा रहा है कि हाँ ये खबर सच्ची है और मुस्कान खान को इतना करोड़ रुपया मिल गया। तो आज आप लोगों के सामने बिल्कुल पर्दाफाश करूँगा और ये क्लियर करूँगा कि सच में मुस्कान को किसने कितना दिया और किसने क्या दिया या नहीं दिया, बिल्कुल शॉर्ट में पर्दाफाश करूंगा। लेकिन आइए सबसे पहले आप लोगों के सामने फेक न्यूज़ का पर्दाफाश करूंगा कि किस तरह मुस्कान को लेकर, हिजाब को लेकर फेक न्यूज़ चलाई जा रही है। देखिए सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए, ये आप लोगों को पता भी चल चुका होगा, ये वीडियो पुरानी वीडियो थी और ये तस्वीर शेयर करके बताया जा रहा था कि हिजाब के समर्थन में राखी सावंत ने हिजाब पहनी है, बुर्का पहनी है। ये तो साबित हो चुका था कि ये फेक न्यूज़ है। उसके बाद देखिए और ये इस खबर को देखिए किस तरह लोग शेयर कर रहे हैं, किस तरह जमकर शेयर कर रहे हैं, पता नहीं लोगों को क्या हुआ, किस तरह पागल हो गई। उसके बाद देखिए ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए, इस वीडियो को एडिट करके शेयर किया जा रहा है कि देखो दुबई के बुर्ज खलीफा पर मुस्कान की फ़ोटो और उनका नाम लिखा हुआ है। और बाद में पता चलता है कि ये वीडियो एडिट करने वाले कोई बांग्लादेशी है। और देख सकते हैं, गौर करके देखिए, मुस्कान जो लिखा है वो नाम भी गलत लिखा है, मुस्कान लिख दिया है। आप सोच सकते हैं किस तरह पागल हो गए हैं। उसी के बाद और एक वीडियो एडिट की जाती है और इस तरह इस वीडियो को दिखाया जाता है कि देखिए किस तरह हेलीकॉप्टर पर्दा उठा, हेलीकॉप्टर द्वारा पर्दे को उठाया जा रहा है और बिल्डिंग पर मुस्कान की फ़ोटो लगी हुई है। तो इस तरह फेक वीडियो बनाकर एडिट करके शेयर कर रहे हैं और लोग नीचे कमेंट में माशाल्लाह सुबहानअल्लाह लिख रहे हैं। तो ऐसी वीडियो से आप लोग बचिए। और यहाँ पर देखिए इस खबर को देखिए, देखिए आमिर खान, सलमान खान, अल्लाहु अकबर बोलने वाली मुस्कान को देंगे 5 करोड़। और आप जब पता लगाने की कोशिश करिएगा तो पता चलेगा कि सलमान खान और आमिर खान ने ऐसा कुछ बयान ही नहीं दिए हैं। और आगे देखिए, सलमान खान ने बहादुर लड़की को 3 करोड़ रुपये इनाम दे दिया, उर्दू से लिखा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि 3 करोड़ रुपया इनाम दे दिया। उसके अलावा एक खबर चली थी कि मोदी जी मुस्कान को 5 करोड़ दे रहे थे लेकिन मुस्कान लेने से इनकार कर दिया और वो पैसा नहीं लिया, लौटा दिया। आप सोच सकते हैं किस तरह फेक न्यूज़ चल रही है। तो कहने का मतलब है आप लोग ऐसी खबरों से बचिए और शेयर ना करिए और माशाअल्लाह सुबहानअल्लाह गलत खबरों के नीचे मत लिखिए। अब आइए ये जानते हैं कि किसने क्या दिया, इसने इतना दिया, उसने इतना दिया, सलमान खान ने दिया, मोदी जी ने दिया, वो सब कुछ नहीं दिए हैं। अगर दिए हैं तो एक जमीयत उलेमाए हिंद है जिन्होंने 5 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी और वो दे चुके हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं वो दे रहे हैं। और ये खबर मैं पहले भी चला चुका हूँ क्योंकि मुझे पता था कि ये सच्ची खबर है। उसके अलावा देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद के अलावा कई लोग, मौलाना भी हैं जो गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, ये सच्चाई है। हौसला अफजाई के लिए गिफ्ट दे रहे हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कई लोग जाकर उनसे मिल रहे हैं और गिफ्ट दे रहे हैं, हौसला अफजाई के लिए गिफ्ट दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। ये सच्चाई है, इसने इतना दिया, उसने दिया, ये सारी खबरें गलत है। जमीयत उलेमाए हिंद ने 5 लाख रुपये दिए हैं, ये सच्चाई है। दोस्तों पूरी वीडियो, पूरी रिपोर्ट के बारे में कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, जाइए राय दीजिए। जो लोग नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।